हे हाय, दिस इज अर्षित एंड वेलकम टू एडी क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा एमएसपी 430। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल आता ही है। सो इसका ये डायग्राम है, बेसिक डायग्राम्स में क्या है, क्लॉक सिस्टम है, ACLK, SMCLK, ये मैं आपको जितना भी सीन है आपको सब समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। सो क्या है, पहले MCLK, ये क्या है, इट इज द क्लॉक सोर्स ऑफ CPU। ये जो आंसर है हमने बहुत इजी फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, एक बार लिख लेना, एंड देन यू रीड और आप बुक का आंसर चेक कर लेना, आपको इजी लगेगा, तो आप ये एग्जाम में लिख सकते हो आंसर। SMLK, ये क्या, इट इज द हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक, दैट इज द टाइमर। ACLK, जो आपको देख रहे हो जो टर्म्स है इसका, मैंने खाली डिस्क्रिप्शन लिखा है। ACLK, इट इज द लो फ्रीक्वेंसी क्लॉक, दैट इज रियल टाइम। GTAG, सो इट इज यूज एज एन इंटरफेरेंस फॉर परफॉर्मिंग। फिर इधर आपको दिखेगा MAB, MDB, तो आपको लिखना है MAB मेमोरी एड्रेस बस, MDB मेमोरी डेटा बस। फिर भी स्टार्ट कैसे होगा, क्लॉक सिस्टम से हम एक एक सिस्टम को लेंगे एंड हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो क्या लिखा है, ऑसिलेटर इज यूज टू जनरेट क्लॉक सिग्नल्स फॉर माइक्रो कंट्रोलर। ओके, फिर क्या लिखा है, अब ये CPU है, तो CPU ऑफ 16-bit विद 16-bit रजिस्टर इज प्रेजेंट इन माइक्रो कंट्रोलर। इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 16-bit ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। फाइन, फिर तीसरा क्या है, देखो फ्लैश लिखा है इधर। सो फ्लैश, फ्लैश में क्या है, फ्लैश मेमोरी कैन बी प्रोग्राम वाया JTAG, जिधर बाजू में JTAG ड्रॉ किया पोर्ट इन द सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ CPU। CPU कैन परफॉर्म सिंगल बिट एंड सिंगल वर्ड टू द फ्लैश मेमोरी। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ बताने लायक है नहीं, खाली ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर क्या है, वॉच डॉग टाइमर, उसके जो बाजू में एग्जैक्टली है सामने नीचे है वॉच डॉग टाइमर। तो वॉच डॉग टाइमर में क्या है, इट इज तो अभी क्या है, ये क्या करेगा, ये ना जो सिस्टम है उसको रिस्टार्ट करेगा आफ्टर द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ऑकर्स। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इट ऑल्सो रिस्टार्ट्स आफ्टर सिलेक्टिव टाइम इंटरवल एक्सपायर्स। अभी टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो ये रिस्टार्ट कर देगा। अभी नीचे लिखा है आपको एनालॉग पेरिफेरल टू डिजिटल पेरिफेरल, तो मैंने इसके बाद बताया कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट इज अ 12-bit एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट मॉड्यूलेट्स इम्प्लांट्स 12-bit कोर रेफरेंस जनरेटर एंड अ 16-word कन्वर्जन विद बफर विद कंट्रोल बफर। सबको दिख रहा है राइट। सो फिर है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन DAC, तो ये क्या है 12-bit आर लेडर वोल्टेज आउटपुट DAC। बाद में फिर दिया है 7th रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, इट इज अ 16 जनरल रजिस्टर्स। ओके, अभी मैं नंबर दिया 0 से 15, इसके नंबर रहते आर, उसमें R0 से लेके R3 तक थोड़े स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस रजिस्टर, अ कांस्टेंट जनरेटर रजिस्टर। सो ये पूरा आंसर है MSP 430 का। आप इसको जैसे चाहिए वैसे रट लो, कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है ये। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है। सो ये आंसर बहुत अच्छे से करना, पूरा आंसर कॉपी कर लो। अगर आपको इसका फोटो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम आपको मेल कर देंगे। एंड इफ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AT क्लासेस एंड कीप सपोर्टिंग एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आंसर बहुत ईजी है। थैंक यू।